बॉलीवुड की दमदार अभिनेता अजय देवगन की बैक टू बैक कई अपकमिंग फिल्में आ रही हैं, जिसमें से एक चाणक्य मूवी भी है। भारत के सबसे विद्वान पंडित चाणक्य की बायोपिक में अजय देवगन चाणक्य की भूमिका निभाते नजर आएंगे और उनके साथ फिल्म में बहुत से बड़े कलाकार भी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खबरों के मुताबिक चाणक्य के जीवन पर बन रही अजय देवगन की इस फिल्म में अब खूबसूरत अदाकारा उर्वशी रौतेला का आइटम सॉन्ग भी होने जा रहा है, जिसके जरिए वो फिल्म में अपनी अदाओं के साथ सभी को अपना दीवाना बनाने वाली हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको चाणक्य फिल्म में उर्वशी के आइटम सॉन्ग के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं कि आखिर कौन सा होगा वो सॉन्ग, कैसे उर्वशी इस गाने को हिट बनाएंगी और वो गाना कब तक आएगा। अगर आप भी इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही अजय और उर्वशी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारत के सबसे बड़े विद्वान चाणक्य पर बन रही अजय देवगन की फिल्म चाणक्य को निर्देशक नीरज पांडे निर्देश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अजय को तो फिल्म के लिए फाइनल कर लिया है, पर बाकी कलाकारों की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। पर हाल ही में खबरें आई हैं कि चाणक्य फिल्म के निर्माता चाहते हैं कि अजय देवगन की इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए, जिसे उर्वशी रौतेला करेंगी, जो ग्रैंड मस्ती फिल्म के लिए रेशम का रुमाल और काबिल फिल्म के लिए हसीनों का दीवाना जैसे फेमस आइटम सॉन्ग कर चुकी है और सभी उनके अदाओं के दीवाने हैं। इसलिए अजय देवगन की चाणक्य मूवी के निर्माता चाहते हैं कि इस फिल्म में उर्वशी ही आइटम नंबर करें। खबरें हैं कि अमिताभ बच्चन की फिल्म शान के यम्मा यम्मा गाने को इस फिल्म के लिए फीमेल वॉइस के साथ रिक्रिएट किया जाएगा, साथ ही उसे अरबियन म्यूजिक के साथ पर्दे पर उतारा जाएगा और इसी गाने पर उर्वशी रौतेला जबरदस्त डांस मूव से फिल्म में जलवे बिखेरती हुई नजर आएंगी। साथ ही वो इस गाने के जरिए अपनी अदाओं और खूबसूरती से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस आइटम सॉन्ग को लेकर अभी उर्वशी रौतेला और फिल्म मेकर्स के बीच बातचीत चालू है, पर अभी तक उर्वशी ने इस गाने के लिए हामी नहीं भरी है, क्योंकि वो अभी अपनी लेटेस्ट फिल्म वर्जन भानुप्रिया को लेकर बिजी है। तो अभी कन्फर्म नहीं हो पाया है कि उर्वशी अजय देवगन की इस फिल्म में आइटम सॉन्ग करेंगी या नहीं, जिससे कि उस गाने को आने में अभी काफी समय लग सकता है। पर जब से दर्शकों को पता चला है कि अजय की अपकमिंग फिल्म चाणक्य में उर्वशी का आइटम सॉन्ग होने वाला है, तो सभी इनके आइटम सॉन्ग के लिए काफी एक्साइटेड हैं। पर लगता है अभी सभी को काफी इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी चाणक्य मूवी में उर्वशी के आइटम सॉन्ग के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।